नमस्ते, आप सबका स्वागत है आज के सेकंड एपिसोड में। मेरा नाम राधिका है और मैं आपकी होस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम विमेन काम पे साइकिल करके क्यों नहीं जाते हैं। मुझे इतना मालूम है कि दिल्ली की स्टैट्स के हिसाब से 11% लोग साइकिल करके काम पे जाते हैं, विच इज़ लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, बट वाई नॉट मिलियंस। ये हमारे फिटनेस के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, पॉल्यूशन कम करेगा क्योंकि रोड से कार कम होगी, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बहुत सारे ड्रॉबैक्स ये हैं कि हमारे यहाँ कोई साइकिल लेन नहीं है, दिल्ली में बहुत प्रदूषित एनवायरनमेंट है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि कोई ट्रैफिक रूल भी फॉलो नहीं करता। इसके अलावा कभी कभार मॉनसून आ जाते हैं, हमें प्रदूषण की वजह से मास्क पहनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट अभी भी इन सारे ड्रॉबैक्स के बावजूद भी लैक्स ऑफ पीपल काम पे अभी भी जाते हैं। बट हमारा टारगेट ये है कि हमें इसे मिलियंस बनाना है। कुछ इसी के ऊपर हम आज भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, कुछ ऐसे लोग जो अभी भी साइकिल पे दिल्ली पे काम पे जाते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इंटरव्यू से। हाय, मैं हूँ आपके साथ रोहन, मैप ऑफ मी में आपका गेस्ट होस्ट हूँ मैं, और आपको अलग अलग साइकिलिंग ग्रुप, साइकिलिंग प्रोफेशनल से मिलवा रहा हूँ। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने आया हूँ वो दो बहुत ही स्वीट लड़कियाँ हैं जो दिल्ली में साइकिल करती हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ जानना है मुझे। उनसे जानना है मुझे क्या क्या चैलेंजेस उनको आते हैं, मुझे उनसे जानना है कि क्या क्या सेफ्टी गियर्स वो यूज़ करती हैं, और क्यों वो साइकिल करती हैं दिल्ली में, ये भी उनसे जानूंगा। सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलने के लिए, उनसे जानने के लिए। आप mapofme.in पे लॉगिन करो और बहुत सारे कूल प्राइजेस जीत सकते हो आप। हेलो, फटाफट लॉगिन कर लो, मैं चलता हूँ उनसे मिलता हूँ, आपको मिलवाता हूँ। हेलो, मेरा नाम पायल है और मैं एक रेगुलर राइडर हूँ। मैं एक टीचर हूँ। आजकल ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से घर पे सारा दिन बैठने को होता है, तो द बेस्ट वे टू किक स्टार्ट योर डे इज़ विद सम एक्सरसाइज, और साइकिलिंग इज एन एक्सलेंट एक्सरसाइज। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम दृष्टि एंड आई एम अ स्टूडेंट, एंड करंटली आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई हैव साइंस, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ ट्यूशंस। सो आई यूज़ माई बाइसिकल टू कम्यूट बिटवीन माई ट्यूशंस, तो जैसे कि एक दिन में 2-3 ट्यूशन होती है, तो आई यूज़ माई साइकिल एंड उस पर आई राइड अराउंड 16 किलोमीटर्स, विच मीन्स 500 कैलोरीज एवरी डे। पर्सनली मैं अपनी ट्यूशंस के लिए यूज़ करती हूँ, सो मेरी एक ट्यूशन आफ्टरनून में होती है एंड एक ट्यूशन सुबह होती है। ट्रैफिक दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है, तो द परफेक्ट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, बट अर्ली मॉर्निंग में अगर अंधेरा होता है तो बींग अ वुमन देर इज़ अ फियर लर्किंग कि हम अंधेरे में बहुत ज़्यादा जल्दी अकेले नहीं जा सकते, वी मस्ट हैव अ ग्रुप। हम अकेले में निकलते हैं तो वी फील इनसिक्योर एंड अनसेफ। कमिंग ऑन टू सेफ्टी गियर्स, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, तो हमें हेलमेट और नी कैप जैसी चीज़ें हमेशा यूज करनी चाहिए, और हमें अपने साइकिल का भी पूरा ध्यान रखना है कि हमारे साइकिल के ब्रेक्स हमेशा सही हो, हमारी साइकिल हमेशा सर्विस करी हुई हो, हमारे साइकिल के टायर्स में एयर प्रेशर सही हो, सो दैट हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े चलाते। Hi, I am Vaibhav and I am a student and I ride regularly around 20 to 30 kilometers. Hi, my name is Abhishek. I am a pharmacist. Daily ride 30 to 40 kilometers with the group. Hi, my name is Ashish. I am a pharmacist by profession and a cyclist by heart. Thank you. Hi, I am Indu Malhotra. I am a clinical psychologist and riding is a passion. Any fitness thing is a my passion. Hi, I am Namit Varma and I am doing this cycling from past 2.5 years, and I am a businessman by profession. I am a wholesale electronics dealer, and this cycling I do every day, 30 to 40 kilometer drive. Good morning everyone, my name is Gaurav Saglani. Cycling is like breathing for me. Initially when I started it was more for my fitness, but now I think it has become an integral part of my life. I would say and seriously suggest people to take up cycling as it is a very awesome sport. Hi, mera naam Sushil Huda hai aur hum Delhi Elite Cyclist and Runner Group se hain, और हम डेली 30 टू 40 किलोमीटर राइड करते हैं ग्रुप में, और वैसे मैं एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूँ और मैं पिछले 5 साल से राइड कर रहा हूँ, पैशनेट राइडर। आई एम ए फिटनेस लवर। हमने ये ग्रुप 2015 में फॉर्म किया था, सोशल प्लेटफॉर्म पे 15,000 प्लस मेंबर्स हम इस ग्रुप में हैं,
पर NCR रीजन में मोस्टली हम जो है 50-60 राइडर्स डेली राइड करते हैं ऑलमोस्ट, और वीक में हम 4-5 डेज ऑलमोस्ट राइड करते ही हैं, बाकी रनिंग भी करते हैं, बाकी राइड जो है हम 4 डेज करते हैं वीक में। सी ग्रुप में जाने का फ़ायदा है इसलिए है दैट इफ़ समथिंग कुछ मिस हैपन होती है, किसी का टायर पंचर होता है, किसी को चोट लगता है, एक्सीडेंट लगता है, देर आर पीपल जो हेल्प आउट कर सकते हैं। अकेले जाने में आपको कोई हेल्प नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे एक को राइडर एक्सीडेंट हुआ, ही फेल डाउन, सो ग्रुप में है तो पता है आपको यू विल बी सेफ, कहीं भी आप जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्ट ग्रुप में किसी को कुछ भी ले लो, आपको ग्रुप में सबका फन आएगा ही आएगा। ग्रुप में साइकिलिंग करना हमेशा एक सेफ भी रहता है, दूसरा आजकल के टाइम पर जब हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई साथ में हो, इसी से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। बींग अ फीमेल राइडर यू नीड अ कंपनी, बिकॉज इंडियन रोड्स और इंडियन एटमॉस्फेयर साइकिलिस्ट के लिए अभी नहीं है, और हमें बहुत दिक्कत होती है जब हम अकेले होते हैं, हमें बसेस रास्ता नहीं देती हैं, ऑटो वाले कंपटीशन करते हैं, टैक्सी वाले कंपटीशन करते हैं। इन दैट केस विन अ ग्रुप दे नो दैट दे आर समबडी विद समवन, सो दे डोंट टीज अस ऑन द रोड। एंड क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं साइकिल करने के? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई विल से कि आजकल के टाइम पे जब हम घर पे रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा आउटवर्ड थे, अभी एकदम हमें घर के अंदर रहना पड़ गया है, तो मुझे जो पेशेंट मिलते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में हो रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर लाइफ। जब हम भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग बीइंग द सेफेस्ट, क्योंकि इसमें इंजरी कम होती है, बॉडी इंजरी। अगर आप रनिंग करेंगे तो आपकी नी पे इफेक्ट आ सकता है, आप नया नया रन किया आप थक जाएंगे, साइकिलिंग में वो थकान महसूस नहीं होती है। आप अगर मास्क भी लगा के रखें तब भी आप ब्रीथ कर सकते हैं, जबकि आप रनिंग करते हुए आपको मास्क हटाना ही पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग प्लस आपकी आपका सिक्योरिटी मेजर बिकॉज ऑफ कोविड, एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड बाय साइकिलिंग। सो उस केस में अगर आप साइकिलिंग या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी से एक डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको फील गुड फैक्टर देता है, तो आप पूरे दिन के लिए यू फील फ्रेश, you can focus on your studies, you can focus on your career, and you can really fight the stress by this disease. So, दिल्ली जैसे शहर में साइकिलिंग की क्या फील है? सर, साइकिलिंग की सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमने ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर कर ली हैं जो हमने आज तक कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर के पास हैं, और हमने आज तक कभी देखी नहीं थी। हमें देखने का टाइम नहीं मिलता था और ना ही हमारे पास वहाँ जाने तक का प्रोविजन होता था। अब हमारे को इतनी ज़्यादा हमने एक्सप्लोर कर ली हैं जगह, जो ऐसी ऐसी जगह जो एक हिडन जेम्स हैं, हमने दिल्ली के एक्सप्लोर किए हैं अपने साइकिलिंग में। तो हमारे साइकिलिंग से हमारे को बहुत लोगों से कनेक्टिविटी हो रही है, आपका फैमिली बन गई है हमारी साइकिलिंग की, इतनी बड़ा साइकिलिंग फैमिली है। सो दिल्ली शहर में जहाँ इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे साइकिल करना आपको लगता है ठीक है? आई थिंक यू शुड रीफ्रेम दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट आपको ये पूछना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे क्या हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, एंड आई थिंक येस, बिकॉज साइकिलिंग करने से ही हम पोल्यूशन को भगा सकते हैं, एंड दैट्स लाइक द बिग रीज़न द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अप एक्शन इन रिगार्ड्स टू राइड मोर साइकिल, फिट इंडिया मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स इसीलिए हैं कि हम और प्रमोट करें साइकिलिंग को, बिकॉज इट इज़ अ हेल्दी स्पोर्ट ऑल टुगेदर। एंड सेकेंडली, इससे आपका ऑक्सीजन इनटेक हमारे जो ब्लड में होता है, विच वी एक्चुअली कॉल इट एज व्यू टू मैक्स ऑल्सो, वो हमारा इंक्रीज होता है, परफॉर्मेंस इनहेंस हुई, हेल्थ इनहेंस हुई, एंड मोर ओवर इट्स अ बेनिफिट। सो वैभव, आप आई थिंक यंगेस्ट मेंबर हैं इस ग्रुप के, सो क्या बोलोगे आप, कैसा लगता है आपको एक यंग मेंबर इस ग्रुप का होने का? सो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप आई फील ग्रेट। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यहाँ पे रूट्स जो मैंने एक्सप्लोर करे हैं, जो मैंने सीखा है साइकिल के बारे में, जो मेरे को मोटिवेशन मिली है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी इनक्रेजिंग है। और कोई, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे एज ग्रुप के हैं, कि दैट दे शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर साइकिलिंग, बिकॉज एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर, फिनोमिनल एक्सपीरियंस। लास्ट में जाते जाते क्या मैसेज देंगे आप जो लोग देख रहे हैं उनको? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, कल हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक पेज पे आप हमारे जाएँ, दिल्ली एलीट साइकिलिस्ट के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर आप लिंक पे शेयर करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्वाइट आ जाएगा, तो आप यू कैन ज्वाइन अस, और आप हमारे साथ डेली राइड करें तो यू फील बेटर एंड यू फील वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि बहुत अच्छा है। डू ज्वाइन अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट राइड। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कीजिएगा कि वो भी साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दे। फिलहाल mapofme.in पर आप लॉगिन करिए और वहाँ पे आप काफ़ी सारे कूल प्राइजेस, हेलो कूल प्राइजेस जीत सकते हैं। हवा तेज़ चलने लग गई है, मैं अपनी साइकिल उठाता हूँ इससे पहले बारिश आए। यहाँ से निकलते हैं भैया, आप लॉगिन कर लो और प्राइज़ जीतो। चलो, आज आपको एक ऐसे साइकिल से मिलवाने आया हूँ, सौरभ भाई मेरे साथ है, उनसे मैं मिलवाऊंगा और उनसे हम कुछ
जानेंगे, ये जो हम हाथ में पकड़ के खड़े हुए दोनों साइकिल, इस साइकिल के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये साइकिल होती क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये सब जो है सौरभ भाई बताएंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ अपनी साइकिल के बारे में। ये हमारी साइकिल, इतने में थोड़ा सामान काफी ज्यादा है, ताकि उसको पता चले कि एक साइकिलिस्ट के लिए क्या जरूरी है। ये हमारी सीट, कई लोग सीट ऊपर करके चला रहे हैं, इसका एक परफेक्ट मेजरमेंट लीजिए, अपने उसको कमर तक रखिए, जिससे आपको लोअर बैक पेन नहीं होंगी, आपका पेडल पुश परफेक्ट रहेगा। ये तो थी सीट, ये सीट एडजस्टर, इसको हमेशा टाइट रखें ताकि राइड करते वक्त सीट नीचे ना गिर जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी गियर्स पे। ये फ्रंट गियर और रियर ब्रेक, एक परफेक्ट गियर रेशियो एक सही साइकिलिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप गियर रेशियो सही नहीं रखेंगे तो नी प्रेस के चांसेस हो सकते हैं। इंक्लाइन और डिक्लाइन पे हम इसको एक ऐसे लेवल पे चलेंगे जिससे आपकी नी पे स्ट्रेन ना पड़े। आगे आ जाते हैं, ये हमारा पैडल, पैडल मूवमेंट भी बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ये पंजा है ये फ्रंट पे रहेगा, कई लोग आपने देखा होगा ऐसे चलाते हैं, कई लोग आपने देखा होगा ऐसे चलाते हैं, कई लोग आपने देखा ऐसे चलाते हैं। इससे अगर आप रेगुलर मूवमेंट ऐसी इंप्रॉपर चलाएंगे तो एंड में यू विल लैंड अप विद द शाटिका पेन्स, लोअर बैक पेन्स, मसल पुल्स, नी पेन्स। आगे आ जाते हैं लाइट्स। ये लाइट्स हमारे दिल्ली के टैक्सी वालों से और ट्रैफिक से बचने के लिए ये लाइट्स ही है सुबह जो 5 बजे आपकी हेल्प करेंगी। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये है मेरी पंचर किट। और ये है मेरा एयर पंप। अब सुबह सुबह टायर पंचर हो गया तो क्या करेंगे, ऑटो पकड़ के घर जाएंगे? नहीं, हम लोग भाई हाथ क्या टायर खोलते हैं, पंचर लगाते हैं पंचर वाले की तरह, हवा भरते हैं और विद इन 5 मिनट्स वी आर रेडी टू गो। तो हम बात करते हैं टायर की। एक परफेक्ट राइड के लिए परफेक्ट टायर प्रेशर होना बहुत जरूरी है। जनरली लोग सुबह हवा नहीं भरते, बट सुबह हवा भर के अपना टायर प्रेशर परफेक्टली चेक करें, जिससे कि राइड स्मूथ होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं ब्रेक पे। दो तरीके की ब्रेक्स आती है, वी ब्रेक और डिस्क ब्रेक। दोनों ही ब्रेक्स अच्छी है अगर वो ब्रेक्स मेंटेन्ड है, प्रॉपरली सेट है। आगे आ जाते हैं, ये हमारे ब्रेकिंग है। दोनों ब्रेक लगाते वक्त मेक श्योर कि आप दोनों को कई बार इकट्ठा प्रेस करें और स्पेशली डिक्लाइन पे पीछे की ब्रेक का ज्यादा यूज करें। एंड मेक श्योर के ब्रेक उतनी ही लगे जितनी जरूरत है, पैनिक के अंदर ज्यादा भी ना लगा दें, यू विल फॉल, और कम भी ना लगाएं। अब बात करते हैं पानी की, जो दिल्ली की गर्मी में सबसे ज्यादा राहत देने वाली चीज है। बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड इज 2 लीटर्स ऑफ वाटर एंड यू कैन ऐड सम ग्लूकोन डी एंड लेमन एज पर योर कन्वीनियंस, बट 2 लीटर पानी हमेशा कैरी करें फॉर अ वन आवर राइड। ये हमारी फ्रंट लाइट, फ्रंट लाइट पावरफुल जरूर होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप अपनी राइड जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो, जिससे कि रोड विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो। उसके अंदर दिल्ली वालों को कंजूसी मत करना। तो लास्ट में एवरीवन, अपनी जंग लगी हुई साइकिलें साफ कर लो, साइकिल निकालने का टाइम आ गया, अगर नहीं है तो खरीद लो और स्टार्ट राइडिंग एंड मेक श्योर टू राइड डेली एंड स्टे फिट। आज आपको दो ऐसे स्पेशल लोगों से मिलवाने लाया हूँ जो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इस शहर के लिए और शहर में कुछ बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। दो ऐसे दोस्त हैं जो अपने घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, लेकिन आम जनता की तरह नहीं कि स्कूटी उठाई, बाइक उठाई या गाड़ी ली और निकल गए, ये दोनों साइकिल पे ऑफिस जाते हैं। इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि आप हमारे ऑफिस के रास्ते में मिलना, मैं आपसे मिलूंगा और आपसे बातें करूंगा, तो भाई टाइम जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। इन्होंने बोला था इसी टाइम पहुंचेंगे यहाँ पे, इंतजार है इनका, जैसे ही आते हैं आपको मिलवाता हूँ इन दोनों से और इनके बारे में जानते हैं। एक्साइटेड हो? मैं तो हूँ। दिल्ली, लेट्स गेट टू वर्क। आओ यार आप भी।
So, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो भाइयों से आपको मिलवाने वाला हूँ जो ऑफिस जो है वो साइकिल पे जाते हैं. कौन कौन है, इनका नाम जानते हैं, प्लीज बताइए. Hi guys, I am Rahul Narang and I am into business and I am into business of exhibitions, freight fairs. And yes, I commute to office from my cycle because there is a reason, there is a theory for it and definitely would love to share with you. Hi, मेरा नाम साहिल अरोड़ा है. मैं ज्वेलरी का बिजनेस करता हूँ और मैं ऑफिस अपनी साइकिल पे जाता हूँ 3-4 साल से, जब से ये ऑड इवन शुरू हुआ है और जब से पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है. सो राहुल भाई, आप साइकिल पे कह रहे हैं ऑफिस जाते हैं, क्यों आपको लगा कि साइकिल को एज अ मीडियम चूज करना चाहिए, एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम चूज करना चाहिए और साइकिल पे ऑफिस जाना चाहिए? रोहन, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरी एक कंपनी एम्स्टर्डम में है. सो एम्स्टर्डम में मैंने वो साइकिल कल्चर देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है. एंड देन आफ्टर लॉकडाउन जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतना एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, सो देन हैव टू आस्क माई सेल्फ कि मुझे क्या कर रहा हूँ मैं अपने उसके लिए क्या कर रहा हूँ. सो आई टुक 3 डिसीजंस. एक डिसीजन ये था दैट आई विल अडॉप्ट अ साइकिल नेचर. मैं ऑफिस साइकिल से जाता हूँ एंड इट्स अ ग्रेट वर्कआउट. आप अगर मॉर्निंग में साइकिल राइड्स पे जाते हैं 1 आवर 2 आवर्स की, क्योंकि यू कैन लाइक अराउंड आप 1000 से 1200 या 1500 कैलोरीज बर्न करते हैं एक बार, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड ऑफिस भी मैं अगर जाता हूँ इससे तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग बिकॉज आई राइड अ ई साइकिल. तो जब भी मुझे टाइम मिलता है या जब भी मुझे लगता है कि आई एम बिट टायर्ड, तो मैं इसका ई मोड ऑन कर लेता हूँ. इट्स अ ग्रेट साइकिल एंड आई एम लविंग साइकिलिंग एंड इट्स लाइक गेटिंग बैक इनटू अ हॉबी. सो आपने बोला ई साइकिल, सो व्हाट इज एन ई साइकिल, क्या है ये ई साइकिल, अगर थोड़ा सा बताया. ई साइकिल इज समथिंग लाइक आप उसको मैनुअल भी चला सकते हो एंड जब आपको लगता है कि आप थोड़े से थके हुए हो या आप लॉन्ग राइड नहीं ले सकते हो थोड़ी सी, तो आप उसका पैडल असिस्ट ऑन कर देते हो. पैडल असिस्ट में आपको एक पिकअप देता है एंड आपका जो एफर्ट्स लग रहे हैं साइकिल चलाने में उसको अराउंड 50% तक कम कर देता है. सो साहिल भाई, ये बड़ा कूल सा मास्क भी है आपका जो हमें देख रहे हैं, लगा के देखो. वाह, बड़ा ही शानदार. आपने साइकिल को अपने सर, ये स्पेशली हमने डिज़ाइन करवाया है. हमारा दोस्त है जिसके साथ हम सुबह साइकिल चलाते हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन करा है हमारे लिए. जो लोग देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप दोनों? सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप रोज़ साइकिल चलाए, ऑफिस साइकिल में जाए, कम से कम पोल्यूशन करें. ऑल द बेस्ट. मेरे हिसाब से एक ना एक दिन सबको शुरुआत करनी होती है, तो गाइस कल से ही स्टार्ट करो, कल सुबह से ही स्टार्ट करो. स्टार्ट साइकिलिंग, ऐसा परेशानी नहीं है जितना लगता है एंड यू विल लव इट. आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है एंड आपका आप नेचर के लिए भी कुछ करते हैं. ऑल द बेस्ट एंड कीप राइडिंग, कीप सेफ. ऑल द बेस्ट. और आपको मिलवाने लाया हूँ इस टाइम मैं अर्नव से. अर्नव जो है एक जूनियर साइकिलिस्ट है और उनकी कहानी आपको सुनाऊंगा. अर्नव, बताओ ना यार अपने बारे में, साइकिल. हेलो, मेरा नाम अर्नव सीकरी है एंड अभी मेरी एज 18 है एंड मैं दिल्ली में एक साइकिलिंग ग्रुप रन करता हूँ जिसका नाम जूनियर साइकिलिस्ट दिल्ली है एंड मेजरली हम 85 मेंबर्स हैं जो रेगुलरली राइड करते हैं. अभिनव, आपका जो ग्रुप है वो जूनियर साइकिलिस्ट है, सो व्हाई जूनियर साइकिलिस्ट? आपकी क्या एज है और आप कब से साइकिल कर रहे हो? मेजरली हम हमारा जो एज ग्रुप है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का है एंड कुछ कॉलेज में भी है जो हमारे लिए बड़े ट्रिप्स प्लान करते हैं. मैं बचपन से ही अपनी साइकिलिंग कर रहा हूँ बट स्टार्टिंग में वो मेरा एक शौक था बट जो धीरे धीरे पैशन में बदल गया. स्टार्टिंग में मेरा डिस्टेंस राइड का इतना ज़्यादा नहीं रहता था, मैं अपने घर के आसपास करता था. फिर धीरे धीरे वो मेरा ब्लॉक से नेबरहुड हो गया, देन नेबरहुड से मेरा स्टेट में हो गया, फिर इंटर स्टेट हो स्टार्ट हो गया एंड अब मैंने दूसरी कंट्रीज में भी राइड किया है जैसे दुबई एंड फ्लोरिडा. अर्नव, साइकिलिंग को आपने क्यों एज योर पैशन चूज किया? एक तरीके से जो साइकिलिंग था वो मेरे लिए एक फ्रीडम के लिए चाबी था. मैं अपने घर से बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट कर पाता था और मेरे को अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहने का टाइम, मेरे को असली दुनिया देखने का मौका मिल जाता था. एंड साथ ही साथ साइकिलिंग के साथ साथ मैंने काफ़ी और चीज़ें भी सीखी जैसे कि कैसे अपना टाइम को बैलेंस करना. एंड जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैंने एक दो चीज़ें और भी रियलाइज़ करी कि जो साइकिलिंग से हमारा एक तो स्टेट का ट्रैफिक एंड पोल्यूशन कम होता है, साथ ही साथ हमने जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प किया है. स्टार्टिंग में तो शौकिया तरीके से ही स्टार्ट किया था एक हॉबी और पास टाइम की तरह बट धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया. आई स्टिल रिमेंबर 2016 में मैंने अपनी पहली रेस जीती थी एंड तब मैं एकदम एंट्री लेवल साइकिलिस्ट था, एकदम कुछ ज़्यादा इतना आइडिया नहीं था बट उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक.
एंड जब मैं 15 साल का था तब मैंने एक सबसे बड़ा अपना एक्सपीडिशन किया, दैट वॉज मनाली टू ले, एंड उसमें हमने हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी कवर करी थी, दैट वॉज खारदुंगला। साइकिलिंग हैज एंडलेस मेरिट्स बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज फिटनेस। एंड मैं हाईलाइट करना चाहूँगा ये बात, हेल्दी एंड एक्टिव रहना कोई लग्जरी या चॉइस नहीं है, आजकल के टाइम में वो एक नेसेसिटी बन गई है। एंड जो लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मेरे से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बट हर बंदे के अंदर एक मास्टर होता है, द कैच इज ट्रेनिंग टेक्स टाइम। और जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प ऐसे कर सकते हैं, स्कूल जाने के लिए जो कम्यूट करते हैं वो वैन्स या स्कूटी या बाइक पे ना करके साइकिल पर करें, उससे एक तो हम वैसे ही दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, हम थोड़ा सा तो हेल्प कर पाएंगे एंड कंट्रोल कर पाएंगे, एंड बाकी ट्रैफिक्स में भी इतना पोल्यूशन वेस्ट हो जाता है। अगर हम खुद यंगर जनरेशन स्टार्ट करेगी साइकिलिंग तो धीरे धीरे बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। बिल्कुल। सो अर्णव, अगर कोई आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, जो यंग लोग देख रहे हैं और दिल्ली से हैं, आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हाउ कैन दे ज्वाइन योर ग्रुप? उसके मल्टीपल तरीके हैं। हमारा फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे अकाउंट एंड पेज है जूनियर साइक्लिस्ट दिल्ली करके, आप उस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी आप लोकेशन बता दीजिए तो हम उसके हिसाब से आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेंगे अगर आप रेगुलर राइड करते हैं। सो अर्णव, लोगों को क्या बोलना चाहोगे? जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइकिलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, हमें बाकी कंट्री से इंस्पायर भी होना चाहिए, जैसे एम्स्टरडैम हो गया, सिंगापुर हो गया, वहाँ पर मेजरली लोगों ने साइकिल्स यूज़ करने लग गए अपने कम्यूट के लिए। एंड जैसे हमारे सर्कमस्टांसेस होते जा रहे हैं, अगर हम फ्यूल के प्राइसेस देखें या फिर पोल्यूशन लेवल्स देखें, तो मेरे हिसाब से नियर फ्यूचर में साइकिल्स एंड ई बाइक्स ही हमारा एक ऑप्शन रह जाएगा कम्यूट करने के लिए। खैर, ये सारी चेंजेस तभी पॉसिबल हैं अगर 1 मिलियन पीपल साइकिल करना स्टार्ट कर दें। अगर इतने सारे लोग दिल्ली में साइकिल करेंगे, पॉल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, जैसे साइकिल लेन बनेगा, ट्रैफिक लाइट आएगी, एप्स आएंगे, जिससे हमारी साइकिल जर्नी में हमें और ज़्यादा हेल्प होगी। आपको अभी बस इतना करना है, मॉम पे जाके आपको अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, कुछ क्विजेस के आंसर करने हैं, और आप 10 यंग वेमेन जीत सकते हो कुछ एक्साइटिंग प्राइसेस जो आपको साइकिलिंग जर्नी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी जाइए, अकाउंट क्रिएट करिए और कुछ गुडीज जीतिए। मैं साइन ऑफ करती हूँ आज के एपिसोड पे और मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड कीप साइकिलिंग।